ACL सर्जरी करने से कुछ तो नुकसान होता है ना शरीर में, ACL तो बन गया बड़ी अच्छी बात है। नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि हमारी बॉडी जाती है रेस्ट पे, एक तो इंजरी हुई उसमें कुछ दिन रेस्ट रह गया, चोटी पहुंची, उस पर सर्जरी हो गई, नॉर्मल सर्जरी हुई, बाहर ब्रेस लगा दिया, डेढ़ महीने ब्रेस रहा, ना वजन दे पा रहा है आदमी, ना पैर बैंड कर पा रहा है। उसके बाद एक होता है एडवांस रिहेबिलिटेशन, जिसके अंदर प्रोप्रोसेप्शन ट्रेनिंग की जाती है। इंडिया में एडवांस रिहेब है ही नहीं, गिने चुने 5-6-10 सेंटर है जो एडवांस रिहेब कराते हैं। एथलीट तो पहुंच पाता है, नॉर्मल इंसान तो उसको मालूम ही नहीं पड़ता एडवांस रिहेब के, क्यों क्यों नहीं मालूम पड़ता? नॉर्मल इंसान की सर्जरी करी सर्जन ने, रिहेब सेंटर ने तो नहीं करी ना, वो सर्जन बताता ही नहीं है उनको जाने के लिए कि भैया उसकी जरूरत है, क्योंकि उसके पास तो है नहीं, किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं एडवांस रिहेब सेंटर। एडवांस रिहेब सेंटर इंडिविजुअली उन फिजियोथेरेपिस्ट ने डेवलप कर रखे हैं जो बाहर से पढ़ाई करके आ गए। वो एडवांस रिहेब बहुत जरूरी है हमारे मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए ACL सर्जरी के बाद, और हमारे नए ACL पे नर्व फाइबर्स ग्रो कराने के लिए। अगर आपने एडवांस रिहेब नहीं करा तो ये कमजोर मांसपेशियां आपके जो पटेला है ना उसको उठा के नहीं रखती, उसको चिपका के चला, इसको बोलते हैं माल रखे वो पटेला, जो ACL के बाद 100% आना ही है क्योंकि मांसपेशियां कमजोर पड़ गई। एडवांस रिहेब हमने किया नहीं क्योंकि किसी ने बताया नहीं, हम खिलाड़ी नहीं है तो हमारे आसपास भी वैसे लोग नहीं जो मैं एडवाइस कर दूं कि वहां चला जाए, हमारे जॉब करने वाले लोग हैं, तो वो हमें बहुत दिक्कत देती है। आपका पटेला जब से सर्जरी हुई तब से चिपक के चल रहा है, पूरा रिपोर्टिंग में ये बेस्ट है सर्जरी मान लो बेस्ट, इसमें कोई पार्शियल टियर नहीं है, कहीं से लिगामेंट ढीला नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास लिगामेंट। लकी हुआ तो बिना एडवांस रिहेब भी बचा रहे, क्योंकि 30% लोग फेल हो जाते में जो अच्छे। प्रॉब्लम क्या आई कि हमारे अंदर अर्ली ओए चेंजेस आ गए, हमारा घुटना सर्जरी के बाद भी घिस गया, घोड़े की तरह हो गया, मेरे पटेला की ट्रैकिंग 14 साल से खराब है, उसमें ग्रेड 3 चेंजेस आ गए, 50% से ज्यादा कार्टिलेज टूट गया, अभी भी 50% बचा पाए, एडवांस रिहेब करो और इस 50% को बचाओ, हो सकता है दर्द बिल्कुल ठीक हो, अगर फिर भी अगर दर्द ठीक नहीं हुआ तो इसका कार्टिलेज ट्रांसप्लांट संभव है। पटेला का कार्टिलेज ट्रांसप्लांट इंडिया में सिर्फ 5-7 डॉक्टर्स करते हैं, कोई और करता नहीं, सरकारी में बिल्कुल नहीं होता, महंगी सर्जरी हो नहीं सकती। पटेला के कार्टिलेज ट्रांसप्लांट को बोलते हैं ऑटो कार्ट ग्राफ्ट नेट। जब तक मैं आपकी मांसपेशियों को मजबूत नहीं कराऊंगा ना, अगर मैंने ये सर्जरी करी तो ये भी उड़ जाएंगे, आपकी जो अच्छे मजबूत सेल्स है वो घिसने से खराब हो गए। अगर मेरे को मांसपेशी इम्प्रूव कराने में 4 महीने लगने वाले हैं, उससे पहले अगर ये की तो और ज्यादा चांसेस रहते हैं ना खराब होने के, तो हम ट्राई करते हैं कम से कम 2-3 महीने तो मजबूत मांसपेशियां करें आप उठ के चले, उसके बाद अगर हमें लगेगा कि ज्यादा घिसा हुआ तो कराना पड़ेगा, कराने की जरूरत है, वो कराना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज घिसी भी तो चलेगी ना गाड़ी में, टायर में खड्डा हो जाए तो क्या करते हो, ठीक कराते हो नहीं कराते, चलाते रहते हो। सो इसको बदलाने के लिए ऑटोकार्ड ग्राफ्ट में एकमात्र तरीका है पटेला के लिए, क्योंकि शेवर के आगे निकालते हैं और घुटने के कुछ एरिया होते हैं जहाँ पे कार्टिलेज काम करने, जैसे नॉच में काम करने या साइड वाला काम करते, यहाँ से मैं कार्टिलेज उखाड़ उखाड़ के निकाल देता हूँ शेवर से पतली से, वो मेरा इसके चैम्बर में खड़ा रहता है ग्राफ्ट चैम्बर, उस कार्टिलेज के टुकड़ों को जहाँ भी मेरे को जरूरत है वहाँ पे लगा के वापस भर दिया जाता है। ये जरूरी है कराना, क्योंकि अगर ये नहीं कराया तो घुटने में कभी दर्द ठीक नहीं होगा, बूढ़े की तरह हो रहा है। दूसरा, अगर आप सरकारी सेटअप में हो तो आप महंगे इम्प्लांट यूज नहीं कर सकते, तो वैसे ही आपके हाथ बन जाते हैं। सो प्राइवेट में ही आपको हमेशा ज्यादातर एडवांस सर्जरी मिलती है, और वो भी वो जो सिर्फ डेडिकेटेड है एक ही फील्ड में, और इसको चिपकाना तो पड़ेगा ना, बॉन्ड तो लगाना पड़ेगा ना। सो आपको ह्यूमन ब्लड से बॉन्ड लगाना, वो बनता है इससे थ्रोम्बिन इंटरचेंज, तो ऑटोलोगस थ्रोम्बिन सीरम बनाते हैं, इसका प्रोसेस होता है जिसमें 3 ACP की सीरिंज यूज होती है, और होता है पहले इसका डालो फिर रोको, फिर और डालो फिर रोको, जैसे फिक्स टाइमिंग है, इसमें सिलिकॉन के बीड्स रहते हैं, सिलिकॉन के छोटे छोटे क्रिस्टल्स रहते हैं, सो ऑटोलोगस चिपक जाता है एंकल में, कहीं भी हो हर जगह हम ठीक करते हैं, ये एकमात्र तरीका, तो ये हम फ्यूचर में करेंगे। अभी आपके लिए एडवाइस है, यू टेक रिहैबिलिटेशन, आप रिहैब करो और 1.5 महीने बाद। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।